हम इस वक्त खड़े हैं डौंडी लोहारा नगर के मतदान क्रमांक 77 पे, जहां पर राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमती अनिला भेड़िया अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहां पर पहुंची हुई है। वोट डाल के मतदान केंद्र से बाहर निकले, आइए हम उनसे जानते हैं। बताइए मैडम कि आप पिछले लगातार चुनाव प्रचार किए हैं क्षेत्र में, है ना, क्या लगा आपको, कैसे क्या महसूस किए? बिल्कुल, आज मैं पहला वोट अपने मतदान केंद्र में डाली हूँ और खुशी भी है, और लोगों के चेहरे में भी खुशी का लहर दिख रहा है जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे कांग्रेस के पक्ष में जाएगी वोट, ये मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि आप पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में प्रचार किए हैं अपने समर्थकों के साथ, उन क्षेत्रों में क्या लगा आपको इस बार के चुनाव में, क्या लगा लोगों की, क्या टटोले आप उनको? क्षेत्र में भी जैसे लगातार प्रचार करते रही, लोगों से मिलते रहे, तो लोगों के चेहरे में भी है कि मैं जो किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारे गरीबों के लिए कर रहे हैं, जो पार्टी उस पार्टी को हम लोग साथ देंगे। आज आप इस मतदान के केंद्र में आकर के आप सबसे पहले आपने मतदान किया, अब क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान को लेकर? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के या प्रदेश के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये मत बहुत महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधि को चुने। और मैं भी अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से अपील करती हूँ कि सभी मतदाता भाई बहन कांग्रेस के पक्ष में वोट डालकर अपने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए। हाँ, तो हम इनका मानना है कि अनिला भेड़िया ने चूंकि लगातार चुनाव प्रचार किए और चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज अब फिर से एक बार कांग्रेस सरकार बनने की संभावनाएं उन्होंने वो जता रही है, और आज पहले मतदान करने के बाद वो लोगों से अपील भी कर रही है कि आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।